स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी की चैप्टर को। पिछले वीडियो में मैंने जनन के बारे में बता दिया था, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में बता दिया था। चैप्टर नंबर सेकेंड था मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यह भी मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। आज की वीडियो हमारी होगी लेसन नंबर 3 क्लास 12th की बायोलॉजी, भारतीय वन का लेसन नंबर 3 है और चैप्टर का हम लोग का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो हम लोग की आज की टॉपिक है मानव जनन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव में जन की क्रिया कैसे होती है, मानव के जन्म के लिए कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं और जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है, जनन के लाभ क्या होते हैं। तो ये सारे चीजों को, सारे पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। तो लेसन नंबर 3 हम लोग का चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जन्म। तो मानव जनन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनन को। ऐसे तो जनन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज फिर से हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग की जो डाउट जो है वह क्लियर हो जाए। तो पहला हेडिंग दीजिएगा जनन, लेसन नंबर मेरा 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये मेरा लेसन का नाम हो गया। जनन, जनन को इंग्लिश में लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जनन का हम लोग सिंपल में एकदम सिंपल परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जनन होता क्या है, जनन कहते किसको है। तो जनन जो है एक विधि है, एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात, जनन क्या है? तो जनन एक प्रोसेस है, एक विधि है। तो जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतति की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन, जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतान की, नए संतति की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, लिखिएगा जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया विधि है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतति, संतति मतलब संतान, तो अपने जैसे नए संतति की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। यानी कि जिस जाति का, जिस स्पीसीज का जीव होगा तो वह रिप्रोडक्शन की क्रिया में, जनन की क्रिया में सेम टू सेम उसी जाति की स्पीसीज को, उसी जाति के बच्चे को क्या करेगा, जन्म देगा। जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य में जनन की क्रिया होगी, तो मनुष्य जब भी जनन की क्रिया के द्वारा जब भी नए संतान की उत्पत्ति करेगा तो वह मनुष्य को ही उत्पत्ति करेगा। उसी तरह से दूसरे मवेशियों में अगर हम लोग लेते हैं जैसे कि गाय, तो वह गाय जो होता है वह अपनी जाति के ही बच्चे को जन्म देगी। कुत्ते जो होते हैं वह अपनी जाति के बच्चे को ही क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो वही है कि अपने जैसे नए संतति यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसको यह क्या करता है, जन्म देता है। तो हम लोग देखे थे जनन के प्रकार, तो जनन के मुख्य रूप से हम लोग कितने प्रकार देखे थे, तो जनन के
प्रकार में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन का मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार देखे थे। नंबर एक में था मेरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और दूसरा मैंने बोला था अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको हम बोले थे असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार के? तो जनन दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह दोनों दोनों मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसमें रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को ध्यान में आ जाए। तो लैंगिक जनन, तो जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वैसी जनन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। याद रहेगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वैसी जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। जबकि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या बताए थे कि जनन की वैसी क्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, जनन की वैसी क्रिया जिसमें कितने जीव भाग लेंगे, मात्र एक जीव भाग लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अलैंगिक जनन। वह नर भी हो सकता है, वह मादा भी हो सकता है। तो अलैंगिक जनन में क्रिया किस तरह से होती है? तो अलैंगिक जनन में जनन की क्रिया जो होती है विखंडन विधि द्वारा हो गया, मुकुलन विधि द्वारा हो गया, उसके बाद अन्य प्रकार के द्विविखंडन बहुविखंडन, इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उसमें जनन की क्रिया होती है। यानी कि अलैंगिक जनन में जनन की क्रिया के लिए नर और मादा होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि लैंगिक जनन में हमेशा दो जीव भाग लेंगे ही लेंगे, दो ऑर्गेन, दो सेक्स ऑर्गेन भाग लेंगे ही लेंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे कि जनन के आखिर जरूरत क्यों होती है, जनन की क्रिया हमारे लिए आवश्यक क्यों है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन का कुछ लाभ भी होता है, तो वह जनन की क्रिया के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लाभ है। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि जनन के लिए, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम लोग अब देखेंगे जनन के लाभ। अगला हेडिंग हम लोग देंगे जनन के लाभ, जनन के लाभ लिख करके डैश दीजिएगा। आखिर जनन के क्या क्या लाभ हैं वह हम लोग अभी देखेंगे। तो जनन के लाभ लिख करके डैश दीजिएगा, मैं बारी बारी से बोलते जाता हूं, आप लोग बारी बारी से नोट करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनन के लाभ, जनन के क्या क्या लाभ है। तो जनन के, जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। आखिर जनन हो तो उसका कुछ लाभ तो होगा, तो जनन के निम्नलिखित लाभ है, लिखिएगा। नंबर एक में आबादी में वृद्धि, आबादी में वृद्धि। जनन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि आबादी में वृद्धि, इसको यही से बोलते हैं इनक्रीज इन पॉपुलेशन। इनक्रीज, इनक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं INCREASE, इनक्रीज इन IN पॉपुलेशन, POPULATION पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, या उसी को हम लोग बोलते हैं आबादी। तो जन का सबसे पहला लाभ क्या हो गया, आबादी में वृद्धि। जन की क्रिया होती है तो क्या होता है, 10 लोग रहते हैं तो उसमें जनन की क्रिया होगी तो क्या होगा, 10 से 15 से 20 से 25, इस तरह से उसकी जो जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जन का सबसे पहला लाभ क्या हुआ कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि उसकी जनसंख्या में, उसकी आबादी में दिन प्रतिदिन क्या होना, वृद्धि होना। तो यह सबसे पहला लाभ है। अब देखते हैं हम लोग जन का दूसरा लाभ, जन का दूसरा लाभ बोला है कि जातियों का अनुरक्षण,
जातियों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, इसका इंग्लिश जातियों का अनुरक्षण, इसका इंग्लिश हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं मेंटेनेंस का, एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई ऑफ एस पी ई सी आई ई एस यानी मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, यानी कि जननी क्रिया में क्या होता है, जैसे कि एक जीव होते हैं तो छोटा से बाल अवस्था से शिशु अवस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक वह जीव क्या करता है, शिशु छोटा से लेकर के और वह वृद्धावस्था तक पहुंचता है, बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है कि वह इस धरती को छोड़कर क्या होता है, चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर मान के चलिए कि पूरा संसार में पूरा वर्ल्ड में केवल मानव का दो ही हो, जैसे एक नर और एक मादा, पूरे संसार में कितनी मानव हो यह मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि पूरी संसार में मात्र दो मानव हो, एक नर और दूसरा मादा, और दोनों में किसी भी प्रकार की जनन की कोई क्रिया नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन की क्रिया दोनों में नहीं हुआ, तब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का दोनों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी जीव जन्म लेता है उसको एक न एक दिन क्या करना है, मरना है। तब क्या होगा कि वह एक समय आएगा, एक समय के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तो उसका तो जनसंख्या बढ़ा नहीं तो उस जीव का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि वह जाति ही समाप्त हो जाएगी। तो जनन से क्या होता है कि जनन के द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी जातियों का अनुरक्षण होता है, जिस जाति जैसे कि कुत्ते, एक प्रकार की जाति है कुत्ता, तो कुत्ता ने जन की क्रिया होगी तो कुत्ता की जो जाति होगी वह हमेशा इस धरती पर बना रहेगा। यदि उसमें कुत्ते में या बिल्ली में जन की क्रिया नहीं होगी तो जितने भी कुत्ते हैं, जितने भी बिल्ली हैं, जितने भी मनुष्य हैं या और भी जितने जानवर हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वह मर जाएगा और धरती पर से उस जाति का नामो निशान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जाति को जैसे मानव का जाति अलग हो गया, गाय की जाति अलग हो गई, उसके बाद पक्षी की जाति अलग हो गई, मवेशियों की जाति अलग, सबका अलग अलग एक जाति होता है, तो उसमें अगर जन की क्रिया नहीं होगी तो वह क्या होगा, एक समय आएगा कि जितने जीव है उस जाति के सबका सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और धरातल पर से पृथ्वी पर से उस जाति का नामो निशान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा डायनासोर की तरह। तो जीवों का जनन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ क्या हो गया, जातियों का अनुरक्षण करना यानी कि मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, यानी अपनी जाति को, अपनी जाति के अस्तित्व को, अपनी जाति के अस्तित्व को इस धरती पर क्या रखना, बनाए रखना। तीसरा क्या बोला है कि जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागति, यानी कि जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागति। अब इसका इंग्लिश हम लोग देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस स्पेलिंग में याद रहेगा, आई एन एच ई आर आई टी ए एन सी ई, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल, यूजफुल कहते हैं स्पेलिंग तो पता ही होगा, और कैरेक्टर सी एच ए आर ए सी टी ई आर एस। अब इसका तीसरा महत्वपूर्ण लाभ क्या हो गया कि जैसे कि जीव होता है तो जीवों में जनन होने के लिए यानी कि क्या होता है, एक मेल और दूसरा फीमेल, मेल और दूसरा फीमेल, यानी दोनों का ऑर्गन्स जो होगा, जन अंग जो होगा वह भाग लेगा तभी जनन की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए तो इसका गुण कुछ अलग होगा, इसमें क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम जो होगा वह अलग होगा, इसका क्रोमोसोम जो होगा, इसका क्रोमोसोम जो होगा वह क्या होगा, अलग होगा। दोनों डिफरेंस टाइप के क्रोमोसोम होंगे, मेल का अलग गुण और महिला का यानी कि फीमेल का अलग गुण, लेकिन जब उसका जो संतान बनेगा तो संतान में दोनों तरह के गुण होंगे, मेल वाला भी क्रोमोसोम का गुण होगा और इसका फीमेल वाला भी क्रोमोसोम का गुण होगा। तो स्वाभाविक बात है कि जो यह मेल और फीमेल से जो नए संतान बनेंगे उसमें दोनों का गुण मिक्स होगा और वह बेहतर तरह के
इनहेरिटेंस यानी कि बढ़िया सबसे बेटर जो जीन वाले संतान की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। जब बेटर संतान होगा तब क्या होगा कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने शरीर को क्या करेंगे, परिस्थिति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, जलवायु के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को क्या करेंगे, ढाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे और वातावरण के साथ लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। यानी कि उसमें अच्छे गुणों का संचार हो जाता है, जो माता पिता का जो गुण रहता है वह उसमें चला जाता है और दोनों का गुण मिक्स होकर के बेटर तरह के गुण का उसमें संचार करता है, जो अपने आप को वातावरण से लड़ने के लायक काफी संघर्षपूर्ण अपने आप को बना लेता है और उसका अस्तित्व बना रहता है और वह लंबे समय तक जो होता है वह क्या करता है, तो लंबे समय तक वह संघर्ष करके जीवित रहता है। तो यह तीन लाभ है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ दिया जाता है 12th के एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है कि जनन के क्या लाभ है, दो या तीन नंबर में देगा तो हम लोग लिख देंगे कि जनन के निम्नलिखित लाभ है। को सबसे पहला लाभ मैंने क्या बताया, आबादी में वृद्धि होना। दूसरा लाभ मैंने बताया क्या, जातियों का अनुरक्षण। और तीसरा लाभ बताया मैंने क्या, जीवों के लाभकारी गुणों की वंशावली। ठीक, तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे, वह टॉपिक हम लोग का होगा, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। मानव जनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो आखिर यह मानव जनन तंत्र होता क्या है, तो जैसे कि जितने भी जीव हम लोग देखते हैं इस धरातल पर, सबका जन की प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, लेकिन मानव का जो जन की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होती है, काफी जटिल होता है। तो आखिर इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मानव जनन तंत्र कौन कौन से है। तो मानव जनन तंत्र मुख्य तरह से दो ही मानव जनन तंत्र होते हैं। मानव जनन तंत्र कितने होते हैं, तो मानव जनन तंत्र या हम लोग उसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। तो सबसे पहला होता है वृषण, सबसे पहले क्या होता है वृषण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टिस, क्या बोलते हैं टेस्टिस। और दूसरा हम लोग का होता है अंडाशय, अंडाशय जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो स्टूडेंट पूछा अगर जाए कि जनन तंत्र यानी कि मानव जनन तंत्र कितने होते हैं, तो मानव जनन तंत्र जो होते हैं मात्र दो होते हैं, पहला वृषण और दूसरा अंडाशय। अब हम लोग देखेंगे वृषण किस में पाया जाता है, तो वृषण जो होता है वह पुरुषों में होता है, क्या चीज में होता है, पुरुष में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल। और इसको बुक में लिखा हुआ कहीं कहीं पर आपका मिल जाएगा क्या, नर। तो नर का मतलब हम लोग समझ जाएंगे पुरुष यानी कि मेल। और अंडाशय जो होता है वह फीमेल में होता है यानी कि महिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में फीमेल, फीमेल। और यह जो हम लोग का जो लिखा हुआ मिलेगा अक्सर बुक में वह होता है मादा। तो हम लोग समझ जाएंगे नर का मतलब पुरुष और मादा का मतलब स्त्री, मादा का मतलब क्या स्त्री, यह मादा का मतलब क्या होता है स्त्री। तो ये ध्यान में इस चीज को हम लोग रखेंगे, स्त्री बोलिए या महिला बोलिए। तो पूछे आज की मानव जनन तंत्र कितने होते हैं, तो मानव जनन तंत्र दो होते हैं, एक वृषण और दूसरा क्या होता है अंडाशय। वृषण जो होता है वह पुरुषों में होता है, वृषण किस में होता है पुरुषों में होता है, जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। और महिलाओं में, स्त्रियों में, मादा में क्या होता है अंडाशय होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवरी। ध्यान दीजिएगा कि वृषण जो होता है मनुष्य में, वृषणों की कुल संख्या कितनी होती है दो होती है, वृषण की कुल संख्या कितनी होती है दो होती है। उसी तरह से अंडाशय मनुष्य में भी यानी स्त्रियों में भी अंडाशय की कुल संख्या कितना होता है दो होता है। इसमें क्या चीज का निर्माण होता है, तो वृषण में हम लोग का शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु। ध्यान रखिएगा कि वृषण में निर्माण किसका होता है, तो शुक्राणु का होता है। वृषण की संख्या कितनी होती है, तो संख्या दो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं शुक्राणु को, स्पर्म बोलते हैं।
शुक्राणु को क्या बोलते हुआ स्पर्म बोलते हैं। अब आ जाइए अंडाशय की संख्या महिलाओं में स्त्रियों में कितनी होती है, तो स्त्रियों में भी अंडाशय की संख्या कितनी होती है, दो होती है। और यह इसका अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओभम। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं ओभम। तो यह मेरा यह जो शुक्राणु बना, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग, तो वृषण में किसका निर्माण होता है, मनुष्य में वृषणों की संख्या कितना दो, और वृषण में किसका निर्माण होता है शुक्राणु का। फिर देखेंगे यानी कि फीमेल में मादा में अंडाशय की संख्या कितना तो दो, अंडाशय की संख्या कितना दो, इसमें किसका निर्माण होता है तो ओभम का यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। यह जो मेरा शुक्राणु होता है शुक्राणु को ही हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु को क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु को बोलते हैं नर युग्मक, और अंडाणु को हम लोग क्या बोलते हैं मादा युग्मक। अंडाणु को हम लोग क्या बोलते हैं मादा युग्मक। तो यह ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ जाए कि नर युग्मक किसे कहते हैं, तो नर युग्मक जो हम लोग किसको कहते हैं शुक्राणु को कहते हैं। अगर पूछा है कि मादा युग्मक किसे कहते हैं, मादा युग्मक किसे कहते हैं, तो मादा युग्मक जो होता है अंडाणु को कहते हैं। ध्यान रहे कि पूछा जाएगा कि जैसे पुरुष, पुरुष का जनन अंग कौन है, पुरुष का जनन अंग कौन है, तो यह पुरुष का जनन अंग क्या हो जाएगा वृषण। चलिए लिख लीजिए, यह हो जाएगा पुरुष का, पुरुष का जनन अंग, पुरुष का जनन अंग, तो पुरुष का जनन अंग क्या हो जाएगा तो वृषण। अगर आप एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मादा का यानी कि स्त्री का जनन अंग क्या होता है, मादा का जनन अंग, मादा का जनन अंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स मादा का जनन अंग जो होता है वह क्या हो जाता है तो अंडाशय। तो यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि पुरुष नर पुरुष जनन अंग किसे कहते हैं, तो पुरुष जनन अंग जो हम लोग किसको कहते हैं वृषण को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिस। लेकिन पूछ दिया जाए कि मादा जनन अंग किसे कहते हैं, तो मादा जनन अंग किसे कहते हैं तो अंडाशय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ओवरी। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, और एक जो बार बार आप लोग से हम बोलते हैं कि अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लोग प्लीज क्या करें लाइक कर दे, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दे। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसको दबा देंगे, दबा करके ऑल सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप किसी तरह की किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा वीडियो को आप मिस न करें। तो ध्यान रहे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।